What is up you guys, welcome back to another episode of John's TV. So I know ये video है 2 weeks late. So इसका reason ये था क्योंकि मैं अपने भाई के साथ कर रहा था help, उनका नया गाना, actually 2 गाने आ रहे हैं. So उसको shooting related थोड़ा काम था, stuff था, उसमें थे थोड़ा सा busy, so video upload नहीं कर पाया. So आज मैं आपको देने जा रहा हूँ एक quick walk around, एक detailed review और इसकी practicality के बारे में, जैसे कि आपने thumbnail में पढ़ा है. सो आज की वीडियो होने जा रही है अपने R15 V3, जो कि बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी है, R15 V3 BSX 2021 विद द न्यू कलर विच इज़ द थंडर ग्रे. अनफॉर्चुनेटली कैमरा मैं अपना भूल चुका हूँ स्टूडियो में. सो ऐसे ही आपको अब सब फ़ोन से ही शूट कर दिखा दूंगा इसका. सो हम इसके बात करेंगे अब इंजन के बारे में. सो दिस इज़ अ लिक्विड कूल्ड 4-stroke 4-valve जो कि 155 cc का इंजन है, विच प्रोड्यूस 18.6 हॉर्स पावर एट 10,000 RPM एंड 14.1 NM ऑफ टॉर्क एट 8,500 RPM. सो गाइज ऑन पेपर इसकी जो कि अपने इसकी पावर है, जो इंजन की स्पेसिफिकेशंस है, वो थोड़ी कम लग रही होगी, लेकिन रियलिटी में इन प्रैक्टिकल ये बाइक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है. तो इसका वेट है 145 kg अप्रॉक्सीमेटली, इतना की है इसका वेट. सो इसके अब हम बात करेंगे जो कि प्रैक्टिकलिटी के बारे में. सो नॉट गोना लाई, मुझे इसके मिरर्स में थोड़ा सा ना व्यू कम लग रहा था जब मैं इसको चला कर आया, मुझे मिरर्स में थोड़ा सा व्यू कम लग रहा था. सो जो मैंने चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो कि इसमें कंपनी से स्टॉक आते हैं, इसमें जो टायर्स हैं इसके MRF, सो मैंने इसको एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसके टायर्स अच्छे होंगे, लेकिन इट परफॉर्म्स गुड ऑन दिस बाइक. सो गाइस इसमें डले हैं टायर्स जो कि कंपनी से स्टॉक है, MRF के रेव्स सीरीज़ के टायर हैं, एस सीरीज़ के टायर्स हैं, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इसकी राइड क्वालिटी का, कि इससे अच्छी होगी, इससे अच्छी कॉर्निंग होगी, लेकिन इट परफॉर्म्स रियली नाइस. सो इसके टायर साइज है, पीछे का जो टायर है उसका साइज़ है 140, 70 and 17 inches, और जो फ्रंट का साइज़ है वो है 170 and 17 inches. सो फ्रंट से अगर इसकी हम बात करें, इसमें जैसे कि आप सभी को पता ही है जो कि इसका चेहरा बहुत ही सुंदर है, इसका फ्रंट से या इसकी किसी भी एंगल से ये बाइक, पहली बात तो ये है ये बाइक 150 सीसी की लगती ही नहीं है. इट इज़ सो मस्कुलर एंड एरोडायनेमिक, मतलब लगती ही नहीं है 150 सीसी कैटेगरी की ये बाइक है. सो एज अकॉर्डिंग टू द BS6 नॉर्म्स, इट हैज़ नाउ द ड्यूल चैनल ABS, द ग्राफिक्स आर इम्प्रूवड, सो कलर इज़ द न्यू, यू कैन सी द कलर. सो दिस इज़ द एग्जॉस्ट एंड टेल तो इसकी बहुत ही अच्छी है यार, जो इसमें एरोडाइनमिक्स है ना, ये टेल जो इसकी फुल फेयरिंग इसकी जो फ्रंट से लेकर रियर तक इसकी टेल तक सभी ही प्रॉपर, मतलब एरोडाइनमिक डिज़ाइन है इसका, बहुत ही मस्कुलर लगती है किसी भी एंगल से ये R15, मतलब लाइक किसी भी एंगल से ये 150 सीसी की बाइक तो लगती नहीं. इसकी रोड प्रेजेंस इतनी अच्छी है, आई जस्ट लव्ड दिस बाइक मैन. सो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे सांस मेरी फूल रही है. सो गाइस फ्रंट से हम इसकी सस्पेंशन की बात करें तो दिस इज़ अ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रियर में मोनोक्रॉस, जैसे कि आप सभी को पता ही है. सो द राइड क्वालिटी ऑन दिस बाइक, द सीट इज़ वेरी सॉफ्ट, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग है यार. ट्रैफिक में मैं इसको चला रहा था, सिटी में चला रहा था, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. हाँ फेयरिंग बाइक है, हैंडल थोड़ा सा डाउन है, आपके हाथ तो दर्द करते ही हैं, लेकिन सीट इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. मतलब R15 मैंने V3 पहले भी चलाई है, लेकिन आज थोड़ा कुछ इसको अच्छे से नोटिस कर रहा था मैं, क्योंकि व्लॉग शूट करना था, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है गाइस, आई एम रियली वेरी एग्जॉस्टेड. चेहरा मैं अपना इसीलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि पसीने से, टैनिंग से बुरा हाल हो चुका है. सो लाइट भी बहुत ज़्यादा है इन दी आफ्टरनून, सो लाइट बहुत ही ज़्यादा हार्श है.
सो बाइक को किसी भी एंगल से देख लो, मतलब छोटी बाइक तो लगती नहीं है, वेरी मस्कुलर गाइस, इट इज़ अ वेरी मस्कुलर बाइक। अगर हम इसकी प्रैक्टिकलिटी के बारे में अब हम बात करेंगे तो प्रैक्टिकलिटी में यार बाइक ये नंबर वन है। इसको सिटी पे ले जाओ, अगर आप हाईवे राइड्स भी कर रहे हो तो 120-110 पे मैंने इसको चलाया है अब। सो 110 पे ये क्रूज़ बहुत अच्छे से करती है, इंजन स्ट्रेस नहीं लेता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ है यार। बस थोड़ा सा ना क्वालिटी को, थोड़ा इसकी बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए था, क्योंकि इसका प्राइस पॉइंट अब जा चुका है, अब रेज्ड हो चुका है 1, जो कि पंजाब में जहाँ पर मैं रहता हूँ तो इसका प्राइस पॉइंट है 180 से 185 तक इसका ऑन रोड प्राइस है, तो प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है। थोड़ा सा इसको ना इंप्रूव करना चाहिए था, जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी है और इसके मिरर्स को। बाकी यार इस बाइक में कोई कंप्लेंट नहीं है, यामा इज़ अ वेरी ट्रस्टेड ब्रांड। और इसकी एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, इट हैज़ 11 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक, जो कि बहुत ही अच्छा है इस बाइक के लिए, क्योंकि इसकी एवरेज बहुत ज़्यादा है। मैंने एवरेज का, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है ऑन रोड एवरेज का, सो पता नहीं 35 की देती होगी ये एवरेज, 155 cc है, नो आइडिया गाइस, कमेंट्स में बता, बेइज्जती मत करना। सो 11 लीटर्स विद दिस मच पावर, इट्स वेरी कन्वीनियंट। यामा की चाहे 100 cc बाइक हो या 1000 cc बाइक हो, यू कैन रिलाई ऑन यामा। यामास में बेस्ट इंजन होते हैं परफॉर्मेंस में, ये कुछ भी यार कोई भी बाइक यामा की, दे हैव द बेस्ट इंजन। बहुत ही अच्छी बाइक है यार, बहुत मज़ा आया इसको चलाकर। मैं तो थोड़ी सी बातें भूलने भी लगा हूँ, इतनी गर्मी में बस हो चुकी है, बस थोड़ा सा काम चला लेना। बहुत देर से वीडियो डाली तो सोचा यार इसका रिव्यू करते हैं। सो गाइस, आफ्टर मार्केट एसेसरीज इसमें इतनी ज़्यादा आती है ना, इसकी आफ्टर मार्केट एसेसरीज कि आप भूल ही जाओगे यार, इतना ज़्यादा इसका आफ्टर मार्केट जो एसेसरीज है, इतनी ज़्यादा लव्ड बाइक है ये इंडिया में। सो इसकी एसेसरीज भी बहुत है, जो कि आपकी बाइक का पूरा ही हुलिया बदल देगी, जो कि R15 इसको कोई समझ ही नहीं सकता यार। R6 लगती है इसकी, आप टेल देखो, इसकी टेल टाइडी भी करनी है, इसकी टेल देखो कितनी अग्रेसिव, कितनी शार्प है, मतलब यार बहुत ही, यार बहुत ही अग्रेसिव बाइक है यार। और इसकी परफॉर्मेंस भी कुछ कम नहीं है गाइस, इसकी पेपर में थोड़ा सा लगता है हमको, जब हम सब इसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं पेपर्स में थोड़ी कम लगती है, लेकिन एज सच इसमें कोई दिक्कत नहीं है सिटीज़ में या हाईवेज में। दिस इज़ अ वेरी नाइस बिगिनियर बाइक, यू कैन टेक इट ऑन ट्रैक, इट परफॉर्म्स वेरी वेल। जब आप इसमें बैठते हो, उसका सबसे बेस्ट पार्ट जो कि किसी भी बाइक में नहीं है इस सीसी के में, सो लुक एट दिस कॉकपिट, इट लुक्स वेरी लोडेड। इसके जो हैंडल में ये बार्स हैं, इट लुक्स वेरी लोडेड गाइस। सो दिस इज अ हैजर्ड स्विच जो कि मेरे फ्रेंड ने लगवाया हुआ है। सो दिस इज द पास लाइट, दिस इज द इग्निशन ऑन, ओके गाइस, सो दिस इज द LED। सो इसमें गियर इंडिकेटर सब कुछ है, आप सभी को यार ये कॉमन चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। सो बहुत ही यार इस पर अगर आप बैठते हो और इसके आप जब हम तो जब आप इसमें टक इन होते हो ना, यहाँ पर इस पर पूरा ले करते हो, जो इसका बबल है बहुत अच्छे से काम करता है, हवा आपके बिल्कुल ऊपर से जाती है, जो इसके हैंडल्स की पोजीशन है, आप जब टक इन होते हो ना तो आपको बहुत ही अच्छी ग्रिप आती है, आपको पूरा, आप पूरा बाइक से कनेक्ट हो जाते हो, पूरा पैक्ड, यू जस्ट फील लाइक अ पार्ट ऑफ द बाइक। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग ऑफ दिस बाइक, प्रॉपरली रेस पैक बाइक है यार बिगिनियर्स के लिए। अगर आप स्पोर्ट्स बाइक के फ़ैन हो, स्पोर्ट्स बाइक का तो हर कोई फ़ैन होता है, क्योंकि इसकी रोड इंप्रेशन, रोड प्रेजेंस बहुत होती है, सो सभी लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं R15 को तो स्पेशली, क्योंकि जब दूर से आती है ना कोई भी नहीं कहता यार छोटी बाइक है, इट इज़ वेरी ब्रॉड फ्रॉम द फ्रंट, सो सभी इसको पसंद करते हैं। सो गाइस, चेहरे का बहुत ही बुरा हाल हो रहा है यार, इतनी ज़्यादा गर्मी है, सांस फूल रही है, पानी भी नहीं पिया है, गला सूख रहा है यार, प्लीज़ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी गर्मी में आके वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करो चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड सी यू इन अनदर वीडियो, आई एम रियली वेरी एग्जॉस्टेड, पीस आउट, स्टे ट्यून्ड, बस बाय बाय। सो गाइस, आई एम ऑन दिस न्यू R15 V3 एंड आई एम कैरिंग लंगर ऑन माई स्पोर्ट्स बाइक, दिस इज़ नॉट माई स्पोर्ट्स बाइक, मेरे फ्रेंड की बाइक है और इस पर मैं लंगर लेकर जा रहा हूँ, जो कि मेरे हेलमेट वाले बैग में है, लंगर डाला हुआ है, बहुत गर्म लग रहा है, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है। सो देखो मैं कितना अच्छा दोस्त हूँ, कौन मॉडल है? हाँ हाँ, देखो मेरे लिए लंगर लेके आया अपने हेलमेट वाले, वो हिंदी जी बोलना सके साथ। तो ये रहा इसका लंगर मेरे हेलमेट वाले बैग में, इसको अब धोकर देना, इसको धोकर देना, अभी पुट्ठा मत करो, इसको उल्टा मत करो, इसको धोकर देना मुझे, मैं तू पतला होया लगता, मैं तेरा वेट घट लगता थोड़ा।
हाय जी लंगर के।